सावटा गांव में कोई कैंसर का चेकअप कैंप किया जाएगा, वो इनका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ये कैंसर के साथ साथ इन्होंने जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी होती है कोई उसका पार्ट नहीं छोड़ा, चाहे वो हड्डियों का है, चाहे आँखों का है, चाहे हमारी कोरोना की जांच है या कोरोना की वैक्सीनेशन है। ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि एम्स के डॉक्टर यहाँ आए हैं पूरे गांव में। एक और खुशी की बात है कि सीमो साहब ने बताया कि कोई भी यहाँ कोविड का पॉजिटिव केस नहीं आया, तो गांव ने जो सोशल डिस्टेंसिंग की है ये भी हमने एक फैसला किया कि इस गांव को हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि तो जिस गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और केयर किया है, पलवल के बहुत नज़दीक गांव होते हुए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और इसके साथ साथ मैं बंगा साहब को, जितने डॉक्टर आए हैं, पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ पलवल जिला प्रशासन की तरफ से, कि उन्होंने गाँव में आके जो अर्ली डिटेक्शन है हमारा कैंसर का या और भी जो बीमारी हैं, आँखों की बीमारी है, ये चश्मे भी फ्री देंगे इन्होंने बताया है, आईसाइट चेक करेंगे, कैटरेट की भी जांच ही करेंगे, हड्डियों की भी जांच करेंगे। आज कोई भी आदमी की बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसकी ये जांच नहीं होगी आज, तो बहुत अच्छा सराहनीय स्टेप है। और इनको मैंने ये कहा कि पलवल डिस्ट्रिक्ट, हम आपको स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही स्पॉन्सर करो, हर ब्लॉक में, हर गांव में कोशिश करो कि ऐसे ऐसे कैंप लगे ताकि हमारे जितने भी पलवल के जन हैं वो उनकी स्वास्थ्य के लिए पहले से ही जांच हो जाए, लेटर स्टेज में किसी बीमारी का ना पता लगे और स्वस्थ रहे। ये मेरा इनके लिए बहुत हार्दिक आभार है, धन्यवाद है। खुशी की बात है कि पहला कैंप जो किया है वो कैंसर के लिए किया है, और एक कैंसर फाउंड के लिए जो फाउंडेशन काम करती है एनजीओ, उनके साथ जुड़ के काम किया है। इसके अंदर तीन पहलू हो सकते हैं, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज जो कि एम्स के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दूसरा एनजीओ जो इसको ऑर्गेनाइज करने में कोऑर्डिनेट कर रही है, और तीसरा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इसके साथ में जोड़ी गई है। इस कैंप के अंदर कोविड वैक्सीनेशन सभी के लिए रखी गई है। गाँव के अंदर हमारा उद्देश्य है कि गाँव के अंदर हर व्यक्ति तक हम कोविड की वैक्सीन पहुँचा पाए और सहूलियत से उन्हें लग पाए। कोविड की सैम्पलिंग लगातार जारी है, इन सब के लिए स्वास्थ्य विभाग ECG, आई चेकअप, इसके अलावा ब्लड शुगर, ये सब टेस्टिंग भी साथ में कर रहे हैं। हमने एक और पहलू साथ में जोड़ा है कि आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं उसके बारे में बहुत लोगों को इस संबंध में जागरूकता कम रहती है, तो इस कैंप के अंदर आयुष्मान भारत का भी एक काउंटर बनाया गया है। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड्स बनने हैं PMJ के, वो सब अपने कार्ड इसमें बनवा सकते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा सफल प्रयोग है जिसके अंदर जिला प्रशासन, DC साहब ने इसका उद्घाटन किया है, जिला प्रशासन का पूरा हम लोगों को इसमें सहयोग है, साथ के अंदर ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य विभाग खुद, NGOs और मेडिकल कॉलेज की ओर से एम्स के डॉक्टर्स, सब लोग अगर मिलकर और जिले के स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश करेंगे। पूरे एम्स की टीम आई है, इनफैक्ट 12 डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हैं, जो कि लेडीज़ के लिए ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, साथ में इसके अलावा ओरल कैंसर, इनके लिए डिटेक्ट कर रहे हैं। मैं आई डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ, हम यहाँ पे आई डिपार्टमेंट में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें मोतियाबिंद की जांच कर रहे हैं। मोतियाबिंद हमारे देश में अंधेपन का सबसे मुख्य कारण है, और जो भी ऑपरेशन के लिए मरीज हमें मिलेंगे उनका हम बिल्कुल फ्री में एम्स में इलाज कराएंगे। इसके अलावा यंग लोग, बच्चे लोग जिनको चश्मे की ज़रूरत होती है, चश्मे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उन सब के लिए हम लोग चश्मे का प्रोविज़न भी यहाँ पे कर रहे हैं, और जितना हो सके हम फ्री चश्मे यहाँ पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम में दो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, मिस्टर लव एंड मिस्टर राजेश, और यहाँ पर आकर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं।